भैया यार फर्स्ट ईयर वालों के ना कॉलेज वगैरह खुलने वाले, तो उनके लिए कुछ तो बताओ, मतलब कोडिंग वोडिंग स्टार्ट कैसे करनी है, करना क्या है। तो ये वाले मैसेज ना काफ़ी टाइम से काफ़ी लोगों के आ रहे थे, और एक्चुअली कॉलेज स्टार्ट होने वाले फर्स्ट ईयर के, सो आई थॉट कि तुम्हारे लिए एक चैलेंज वगैरह स्टार्ट करते, से तुम जल्दी सीखोगे भी और एक हेड स्टार्ट भी तुम लोगों को मिल जाएगा जो लोग चैनल को फॉलो करते हैं। हाय गाइस, मैं निशान चारा, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 90 डेज ऑफ DSA के बारे में। तुम्हारे लिए रोड मैप टाइप का मिल जाएगा तुम्हें कि कौन सा टॉपिक कब करना है, कितने दिन में करना है, एंड उसके अकॉर्डिंगली तुम अपने DSA को स्टार्ट कर सकते हो। अब एक चीज़ प्रीरिक्विजिट ये है कि तुम्हें कोई एक लैंग्वेज आती हो, और तुम्हें अगर लैंग्वेज नहीं आती तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके लिए रिसोर्सेज इनसे लिंक्ड होंगे, तुम वहाँ से जाके 10-15 दिन में लैंग्वेज पढ़ सकते हो, एंड उसके बाद ये चीज़ स्टार्ट कर सकते हो। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, चिल करो। एंड अभी तुम कॉलेज स्टार्ट करने वाले हो तो अभी दिसंबर जनवरी तक तो छुट्टियाँ ही होंगी, तो यू आर एक्चुअली फ्री। और अगर तुम सेकेंड थर्ड ईयर में हो तो तुम्हें लैंग्वेज तो मोस्ट प्रॉब्ली आती होगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोर्स होता है ऑलमोस्ट सब ब्रांचेज में, उसमें तुमने सीख ली होगी, तो बिल्कुल ये वाला तुम स्टार्ट कर सकते हो। अब यार दिक्कत क्या होती है कि हम काफ़ी ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं। हमें पता है यार मेरे को लैंग्वेज सीखना है, हमें पता है मुझे DSA करना है, बट हम सोचते हैं कि कब करें, कैसे करें, क्यों करें, मतलब वो मोटिवेशन नहीं आती। अब मोटिवेशन के लिए क्या करना है, तुम जितने भी लोग ये वाली वीडियो देख रहे हो, इफ़ यू आर स्टार्टिंग टुडे, सो डे वन करके तुम डाल देना, और इसके बाद सिर्फ माइलस्टोन्स पे डालना। जैसे डे वन के बाद डे 30 तुमने कर लिया, डे 30 के बाद डे 60 कर लिया, 60 के बाद 90 कर लिया, हर 30 डेज के बाद तुम एक माइलस्टोन डालना कि यार मैंने इतने दिन तक लगातार कोडिंग कर लिया, मैं इस टॉपिक तक पहुंच चुका हूं, अब मैं अपना ये वाला चैलेंज कंप्लीट करने वाला हूँ। एंड चैलेंज के बाद जो लोग 90 डेज चैलेंज 90 डेज इन DSA कंप्लीट कर लेंगे, उनके लिए कुछ एक स्पेशल गिफ्ट मिलने वाला है तुम लोगों को, ठीक है, कंफर्म। अब ये मैं ट्रैक प्रोग्रेस कैसे करूँगा तुम लोगों की, इसके लिए GitHub एक टूल होता है, ठीक है, वो तुम यूज़ कर सकते हो। GitHub एक वेबसाइट है, वहाँ पे तुम जाके अपने कोड वगैरह अपलोड कर सकते हो, वहाँ पे एक मैप टाइप का मिल जाता है जिसमें लिखा होता है कि तुमने आज कितने, मतलब कितनी चीज़ें करी, कितना कॉन्ट्रीब्यूट करा, तो उससे पता चल जाएगा तुमने 90 डेज में कुछ नया किया कि नहीं किया। अब कैसे पता चलेगा, तुम रोज़ तो कोड नहीं कर रहे होगे, बट रोज़ पढ़ तो रहे होगे, तुम नोट्स तो बना रहे होगे, अब वो नोट्स भी तुम वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। GitHub के ट्यूटोरियल का लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लेना, 10-15 मिनट की छोटी सी वीडियो होगी, उससे तुम सीख जाओगे GitHub कैसे यूज़ करना है, बेसिक अपलोड कैसे करनी है फाइल्स, एंड कहीं पर भी अटको तो यूट्यूब तो है ही तुम्हारी हेल्प के लिए। एंड तुम्हें माइलस्टोन्स पे शेयर करना है, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ तुम्हारा दिल करे। जैसे आज डे वन है या फिर कल डे वन है, जब भी तुम स्टार्ट कर रहे हो तो उसको डे वन कंसिडर करके उसके बाद बस माइलस्टोन्स पे शेयर करना, डे 30, डे 60, डे 90, एंड उसको टैग कर देना, ठीक है, और लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगी इससे। और अब वीडियो को शुरू करते हैं। अब यार टैग करोगे, फोटो वोटो डालोगे तो फोटो ले लो, और उससे पहले यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, जल्दी से लाइक कर दो, और वीडियो को फिर स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तुम यहाँ स्क्रीन पे देख सकते होगे। अब इसमें सबसे पहले डे 1 to 2 तुम्हें क्या करना है, लर्न अबाउट स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, कि तुम्हें कितना टाइम लग रहा है एक सॉल्यूशन को लाइक रन करने में या फिर बनाने में, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, उसको स्पेस कितनी ले रही है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड ये लोग काफ़ी ज़्यादा लेट जाके सीखते हैं, फिर उनको थोड़ी डिफिकल्टी होती है। आई वुड रिकमेंड कि पहले 1-2 दिन में तुम यही सीखो, एक दिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सीख लो कि कैसे निकालते, एक दिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह सीख लो, एंड उसके बाद अपना नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ। उसके बाद डे 3 to 10 तुम्हें क्या करना है, 8 दिन में तुम ये सीखना है कि रिकर्जन क्या होता है और बैक ट्रैकिंग क्या होती है, ठीक है। इसके लिए तुम्हें कुछ खास डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी रिकर्जन यूज़ करने के लिए, बेसिक रिकर्जन तुम सीख सकते हो, उसमें तुम्हें क्वेश्चंस वगैरह कर लेना, थोड़े 5-10 क्वेश्चंस तुमने कर लिए, एंड रिकर्जन अगर तुमने स्ट्रॉन्ग कर लिया ना अपना, उसके बाद तुम्हें तुम्हारे ट्रीज, तुम्हारे ग्राफ्स, तुम्हारे DP, ठीक है, तुम्हारी लिंक्ड लिस्ट, तुम्हारा स्टैक्स क्यूज सब बहुत ईजिली होने वाला है। तो इसलिए मैंने ये स्टार्टिंग में डाल दिया, जब तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन होगी एंड तुम आराम से ये वाली चीज़ कर पा रहे होगे। उसके बाद नेक्स्ट यार डेटा स्ट्रक्चर सब बेसिक वाले स्टार्ट करते हैं पढ़ना, डे 11 to day 30 में। अब स्टार्टिंग में क्या पढ़ना है, मैं स्टार्टिंग में हमें एरेज, लिंक लिस्ट और तुम्हारे स्टैक्स एंड क्यूज पढ़ने हैं, ठीक है। इनकी प्रॉब्लम्स वगैरह तुम सॉल्व कर सकते हो, इन सब का लिंक जो होगा मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने एक शीट टाइप की बनाई थी, जो मैंने क्वेश्चंस वगैरह किए थे प्लेसमेंट्स के टाइम, उसकी एक शीट मैंने प्रिपेयर कर दी थी, ठीक है, उस शीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा, तुम वो जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी इसका भी तुम्हें लिंक मिल जाएगा डायरेक्टली, यहाँ से भी शीट लिंक्ड होगी, तो कुछ भी तुम जाके देख सकते हो, ठीक है। तो 30 डेज तक हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो चुकी होंगी, हमें स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी आ जाएगी, ठीक है, हमें बैक ट्रैकिंग और रिकर्जन आ जाएगा, एंड हमें एरेज, लिंक लिस्ट और स्टैक्स आ जाएंगे, स्टैक्स एंड क्यूज आ जाएंगे। इसके बाद यार हम क्या कर सकते हैं, कॉन्टेस्ट वगैरह देना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हम कोड शेफ, कोड फोर्सेस, अपने लीड कोड, इन पे अपनी एक ID बना सकते हैं। लीड कोड पे बनाना स्टार्टिंग में तुम्हें 1-2 क्वेश्चंस बहुत आराम से हो जाएंगे, थर्ड वाला भी शायद तुम कर पाओ, ठीक है, और ना कर पाओ तो दुखी होने की कोई बात बात नहीं है,
और कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। उसके बाद जैसे तुम्हें कोई नया कॉन्सेप्ट मिल रहा है कि यार ये चीज़ तो मैंने कभी पढ़ी ही नहीं थी, ये मेरे को समझ नहीं आई, वो आने वाले आगे वाले टॉपिक्स में उसको हो तो उसको छोड़ देना, बट पहले जो तुमने चीज़ें पढ़ी हैं उनमें से कोई नई चीज़ तुम्हें दिख रही हो तो उसको साथ साथ पढ़ो, उसको साथ साथ सीखो। अब लीड कोड पे क्या होता है, तुम्हारे सैटरडे एंड संडे कॉन्टेस्ट हो रहे होते हैं, ठीक है, सैटरडे को रात को 8 बजे के अराउंड होता है एंड संडे को सुबह 8 बजे होता है। ये काफ़ी सही तरीका है कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का, वीकली कॉन्टेस्ट वगैरह दो, तुम नई नई चीज़ें सीखोगे एंड कॉन्टेस्ट देना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बाकी मैं तुम्हें आगे बढ़ने से पहले एक फ्री रिसोर्स के बारे में बताना चाहूँगा, जहाँ पे तुम्हें काफ़ी सारे गाइडेड पाथ्स वगैरह मिल जाएंगे, तुम्हें क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। लीड कोड की तरह एक और वेबसाइट है, काफ़ी अच्छी वेबसाइट। अब लीड कोड पे एक चीज़ क्या होती है मेरे को जो सही नहीं लगती, तुम्हें अगर कंपनी टैग्स वगैरह देखने हैं ना तो उसके लिए तुम्हें प्रीमियम लेना पड़ता है, बट कोड स्टूडियो पे क्या सीन है, वो तुम्हें फ्री में ही मिल रहा है। तो मैं तुम समझ ही गए कि मैं कोड स्टूडियो के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कोड स्टूडियो पे यार तुम्हें काफ़ी सारे गाइडेड पाथ्स मिल जाते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, तुम्हें OS पढ़ना है, DBMS पढ़ना है, OOP पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, तुम्हें C++ कहाँ से सीखनी है, जावा कैसे सीखनी है, तुम्हें डेवलपमेंट कैसे सीखनी है, वेब सीखनी है, HTML, CSS, Node.js, कुछ भी सीखना है, उसके गाइडेड पाथ्स होंगे, स्टेप बाय स्टेप तुम ये कर सकते हो, उसके बाद ये कर सकते हो, उसके बाद ये कर सकते हो, एंड काफ़ी अच्छा एक रिसोर्स है टू लर्न। अब अपार्ट फ्रॉम दिस यार, अगर तुम कोडिंग निंजास के बारे में नहीं जानते हो तो कोडिंग निंजास इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म। 20% ऑफ जिनके पेड कोर्सेज हैं उसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट टू। ऑल्सो जो मैं लिस्ट की बात कर रहा था तुम्हारी, जो मैंने बताया था कि मैंने जो प्लेसमेंट के टाइम क्वेश्चन वगैरह किए थे, वो लिस्ट भी इन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाल रखी है, तो उसके साथ कंपनी टैग्स वगैरह भी हैं। प्लस एक चीज़ है कि सारे क्वेश्चंस नहीं है वहाँ पे, ठीक है, मैंने चेक किया था तो अराउंड लिस्ट में 300 के अराउंड क्वेश्चंस है, 2652 300, एंड वहाँ पे 209 210 क्वेश्चंस हैं, सो कुछ क्वेश्चंस मिसिंग है, वो तुम जाके यार लिस्ट वगैरह में चेक कर सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है day 31 to 45। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहाँ पे हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स, थोड़े से इससे इंपॉर्टेंट वाले डेटा स्ट्रक्चर्स और पढ़ने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे होंगे तुम्हारे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएंगे तुम्हारी कुछ एल्गोरिथम्स भी, जैसे सर्चिंग सॉर्टिंग तुम्हें पढ़नी होगी। सर्चिंग में तुम्हें बाइनरी सर्च ही करना होता है मोस्टली, नॉर्मल लीनियर सर्च तो सबको आते ही है, बाइनरी सर्च के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह बन जाते हैं, तो बाइनरी सर्च काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करना है तुम्हें। उसके बाद यार सॉर्टिंग में ये 5 एल्गोरिथम सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही होती है तुम्हारी, बबल, इंसर्शन, सिलेक्शन, मर्ज एंड क्विक। मर्ज और क्विक तुम्हारी रिकर्जन से हो रही होती है, तो इसलिए मैंने रिकर्जन पहले करवा दिया था, तुम्हारे लिंक लिस्ट में भी काम आएगा, स्टैक्स यूज में भी काम आएगा और यहाँ पे भी काम आएगा, तुम्हें ये कर लेना। उसके बाद यार हैश मैप्स, ट्रीज, हीप्स और स्लाइडिंग विंडो, ठीक है, ये सारी चीज़ें तुम्हें इनके क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करने हैं एंड ये तुम्हारा आराम से हो जाएगा 15-20 दिन में, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तुम कर सकते हो 2-3 दिन, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं कि हार्ड एंड फास्ट रूल है, तुम इसको 90 डेज की जगह 100 डेज में कर सकते हो, 100 की जगह 110 में कर सकते हो, बट 90 में करोगे तो तुम्हें एक मोटिवेशन मिलेगी, जब सब एक साथ डाल रहे होंगे एंड तुम भी उनमें से एक होगे तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगी। और 90 में करोगे मैं और गिटहब वाली चीज़ करोगे तो मैंने तुम्हें बताया है तुम्हें कुछ स्पेशल प्राइस घर पर डिलीवर होगा, ठीक है, उसके लिए मैं तुम्हें बता दूंगा क्या करना है। अब यार नेक्स्ट आ जाता है day 46 to 75, 25 दिन का विंडो है ये वाला, इसमें तुम्हें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है जो हर ऑनलाइन टेस्ट में आजकल आ रही है, दैट इज GP एंड ग्राफ्स। अब ग्राफ्स और DP में क्या सीन है यार, तुम्हें ग्राफ्स में क्या पढ़ना है, ग्राफ्स में ये सारी चीज़ें पढ़नी है तुम्हें, BFS, GFS, shortest path from all sources, Dijkstra, Floyd Warshall, Prims, Kruskal, some topological sort, Bellman Ford, DSU और DSU by rank। मतलब ये सारी चीज़ें तुम्हें पढ़नी है, सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, एक एक दिन पकड़ के एक एक टॉपिक पढ़ सकते हो, साथ साथ उसके बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। उसके बाद यार DP होता है, DP में तुम्हारे मेमोराइजेशन और तुम्हारे टैबुलेशन दो फॉर्म्स होती हैं। मेमोराइजेशन इज जस्ट रिकर्जन विद सेविंग द थिंग, ठीक है, ऑन द गो जाते जाते तुम सेव करते जा रहे हो अपने पाथ को, वो रिकर्जन अगर तुम कर लोगे तो तुम ये वाला अपना बहुत प्यार से कर पाओगे, ठीक है। एंड दूसरा होता है टैबुलेशन, ठीक है, तो जब भी तुम्हें कोई क्वेश्चन करना है तो सीखना है तुम्हें पहले मेमोराइजेशन ही, मेमोराइजेशन से फिर उसको टैबुलेशन में जाना है, सीधा अगर टेबल भरना सीखोगे तो नहीं सीख पाओगे DP, क्योंकि हमारे ये दोनों टॉपिक्स हो गए। उसके बाद यार day 71 to 80 है, अब day 71 to 80 तक जब तक तुम आओगे तुम्हें काफ़ी स्पेशल सरप्राइज मिलने वाला है, ठीक है, अब उसके लिए तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा तुम्हें, बट मिल जाएगा वो एंड वहाँ से तुम ऊप्स वगैरह पढ़ सकते हो। उसके अलावा भी मैं रिसोर्सेज वगैरह तो डाल ही दूंगा, तुम कहाँ से पढ़ सकते हो, नोट्स वगैरह मैं अपने डाल दूंगा, सब कुछ तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिन भी चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, जिन भी लिंक्स वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ, ऑल विल बी लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन एंड डॉक में भी लिंक्ड होंगे, कहीं से भी जाके तुम देख सकते हो। एंड फाइनली यार कुछ और छोटे मोटे टॉपिक्स होंगे जो तुम्हें ऑनलाइन टेस्ट वगैरह में ज़्यादा हेल्प करेंगे, तुम्हारे कॉन्टेस्ट वगैरह में हेल्प करेंगे, वो तुम लास्ट के 10 दिन में कर सकते हो, दैट इज नंबर थ्योरी, बिट मैनिपुलेशन एंड ट्राइज। अब
क्या सीन है कि इसके बाद ना काफी चीजें और अनलॉक हो जाती हैं तुम्हारे लिए। तुम अगर कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कर रहे होगे तुम्हें और चीजें सीखनी पड़ेंगी। कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कैसे करनी है उसके लिए एक वीडियो बना रखे यार, हाउ टू स्टार्ट विद कोड शेफ एंड हाउ टू स्टार्ट विद कोड फोर्सेस, ठीक है वो तुम जाके देख सकते हो। एक हाउ टू यूज लीड कोड भी वीडियो है, जब तुम लीड कोड कर रहे होगे तुम्हें कैसे यूज करना है, क्या 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 चीजें होती हैं उसके ऊपर भी वीडियो है, वो भी तुम जाके देख सकते हो। उसमें कुछ हैक्स वगैरह मैंने तुम लोगों को बताए हुए हैं। तो दिस इज ऑल यार। अब यार अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो सबसे पहले जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जितना ज़्यादा तुम दूसरों के साथ मिलके लर्न करोगे ना उतना जल्दी तुम लर्न कर पाओगे चीज़ें, ठीक है। अकेले के लिए तुम सोचोगे यार मैं कर लेता हूँ अपने दोस्त को नहीं बताऊंगा मेरा फायदा हो जाएगा, तो उसमें तुम कहीं लैक कर रहे होगे। तो अगर तुम्हें डाउट्स वगैरह होंगे तुम किससे पूछोगे? अगर तुम दोस्त के साथ कर रहे होगे तुम एक दूसरे से डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो, साथ में कॉन्टेस्ट दे सकते हो, कुछ रह गया हो तो सीख सकते हो। सो यही है, कोलैबोरेट करोगे तो तुम ग्रो करोगे, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक। मैं बोलूँ कि मैं ही हूँ, मेरे को ही सब कुछ आता है, मैं ही सब कुछ कर लूँगा, मैं तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हूँ, तो उसमें तुम लैक कर जाते हो, तुम्हें दिक्कतें होंगी काफ़ी ज़्यादा। इससे अच्छा साथ में करो यार, साथ में बैठ उठ के काम वाम करो, एक दूसरे से बात करके चीज़ें सीखो, काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है तुम लोगों की। और सर वीडियोज़ वगैरह तुम लव की देख सकते हो, ठीक है। अभी लव भैया जो बब्बर भैया हैं उन्होंने तो अपना कोर्स अभी स्टार्ट ही किया, तो काफ़ी इनिशियल फेजेस में जितनी वीडियोज़ आ रखे तुम वो देख सकते हो। उसके अलावा तुम स्ट्राइवर के देख सकते हो, स्ट्राइवर ने तुम्हारे ग्राफ की पूरी सीरीज़ बना रखी है, ट्री की पूरी सीरीज़ बना रखी है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें तुम कर सकते हो। उसके बाद अलावा एक और चैनल लीड कोडिंग, तुम वहाँ से भी जाके देख सकते हो। तो चैनल्स बहुत सारे हैं, ठीक है, रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, बस तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, तुम्हें सीखते जाना है। एक दो वीडियोस एक किसी की देखी, एंड ऐसे नहीं करना है कि बस एक ही को फॉलो कर लिया ब्लाइंडली एंड फिर अटक गए कि यार इसने तो ये चीज़ पढ़ा ही नहीं है, फिर इसने छोड़ दिया। तुम्हें अपने आप चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ेगी तभी तुम सीखोगे। बाकी गिटहब वाली चीज़ तुम्हें याद रखनी है, अगर तुम 90 डेज तुम्हें हर माइलस्टोन पे शेयर करने वाली चीज़ याद रखनी है। और क्या करना है, 90 डेज कंप्लीट होने के बाद तुम्हें क्या करना है, इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन पे कहीं पे भी तुम्हें एक स्टोरी डालनी है या फिर एक पोस्ट करना है कि 90 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, एंड तुम अपना गिटहब का वो पूरा मैप जो होता है, वो हीट मैप टाइप जो होता है वो तुम डाल सकते हो, एंड मेरे को टैग कर देना। अब जो जो लोग ये कंप्लीट कर रहे होंगे उनके लिए कुछ स्पेशल प्राइज हम डिसाइड करेंगे एंड तुम लोगों को भेज देंगे। मैं तुम्हें DM कर दूंगा, DM में तुम मेरे को अपना एड्रेस वगैरह कुछ भी दे सकते हो ताकि वो तुम्हें तुम तक डिलीवर हो जाए, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चैनल को तुमने अब तक नहीं किया है तो तुम DSA in 90 Days OP तुम लिख सकते हो चैट में जाके, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको मोटिवेट करो एंड साथ में ग्रो करो यार। इतना ही था यार आज वाली वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।